हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी माँ, आप देख सकते हो कि मॉर्निंग हो चुकी है और मैं भी नहा के आ गई हूँ। और आज पूजा होने के बाद मैंने अपना मतलब बाल जो है वो कॉम्ब किया है, ऐसे ही बस जल्दी जल्दी पूजा कर लिया, फिर अपना बाल कॉम्ब कर लिया और छवि का भी कर लिया है और सारे काम मॉर्निंग के हेलो हो चुके फ्रेंड्स, राधे हैं। राधे, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं तैयार। इसमें दिख जाता है सिंदूर अगर तिरछा लगा हो तो अभी हो गई हूँ मैं तैयार और हो गई है मेरी मतलब पूजा। वहाँ पे देखिए, छवि भी नहा ली, मैं भी नहा ली, बच्चे भी नहा लिए हैं। चाय मैंने बना के पहले ही रख दिया था क्योंकि सोच रही थी ना कि मतलब जब आऊँगी तो तुरंत के तुरंत चाय बना लूँगी, पर आज मैं चाय बना के गई थी कि बस आऊँगी और तुरंत मुझे पीना रहेगा चाय। तो अभी देखिए, चाय को कर लेती हूँ गर्म और फिर पीते हैं। और यहाँ देखिए, चाय मैंने बना लिया था, चाय बन गया था तो मैं उसे छान लेती हूँ। 4 ग्लास है मेरा, ज्योति का, दोनों बच्चों का। तो ये ठंडी से ही बच्चे चाय पीना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बच्चों को चाय ना दूँ क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ बहुत पड़ रही है। शायद हो सकता है मई जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। और यहाँ पे थोड़े से निकाल लेती हूँ मैं पापड़, चिप्स पापड़, क्योंकि नाश्ता भी हो जाएगा यही, आज हल्का फुल्का नाश्ता भी हो जाएगा और थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी हो जाऊंगी कि बच्चों ने कुछ खा लिया है। तो अभी देखिए, हम लोग पी लेते हैं चाय और आप लोग भी आ जाइए चाय पापड़ खाने। बच्चों के साथ मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। ऐसी राइटिंग हम भी नहीं कर पा रही है। कैसी राइटिंग? बहुत गंदी लिख रही हो, अभी और अच्छा लिखो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और रुपेश गया है दही लेने, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, बृहस्पतिवार है तो दही नहीं था। तो रुपेश से मैंने बोल दिया कि जाओ बेटा दही लेते आओ, तो वो गया है दही लेने। और फिर देखिए, मुझे स्वेलिंग हो गई है, कल से मुझे लग रही है, मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है तो मुझे बहुत भारी भारी महसूस होता है। तो अभी देखिए, अभी मैं जाऊंगी किचन में, बनाऊंगी कढ़ी, थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, मतलब रेस्ट नहीं, वही छवि देखिए पड़ रही है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा पढ़ा लूंगी, फिर उसके बाद से जाऊंगी लंच बनाने। तो अभी छवि को थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। और जब छवि राइटिंग कर ली थी तब मैं आ गई थी किचन में और पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन का। और यहाँ पे मैं बेसन छान लूँगी। बेसन हमें छान के ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे अगर बेसन में कीड़े मतलब कीड़े या कुछ भी गंदगी होगी तो वो साफ़ हो जाती है। तो मैंने बेसन छान लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी, नमक, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। गाढ़ा ही पेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि हमें पकौड़े तलने हैं इसके। और फ्रेंड्स, जितना आप इसे फेंटोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे पकौड़े जो है वो तैयार होंगे। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा फेंट लेती हूँ, फिर मैं इसको चेक करती हूँ। एक कटोरी में पानी ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा बेसन डालती हूँ। पानी के ऊपर जब बेसन आ जाता है तो मैं समझ लेती हूँ कि बेसन तैयार है अब पकौड़े बनाने के लिए। फिर मैंने ये पेस्ट जो बनाया था लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन का, वो डाल दिया है और धनिया की पत्ती डाल दिया है। और इसे भी एक बार मिक्स करके बस सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद तैयार है पकौड़े बनने के लिए बेसन। और फिर मैं कढ़ी के लिए पकौड़े तल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरा मतलब वीडियो अगर दिल से अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं है, बस नीचे वाला रेड बटन जो है वो दबा देना है और बेल आइकन आता है उसे भी दबा देना है। तो ये करने से ना आप जो भी अगर मेरे वीडियो को आप आगे वीडियो देखना चाहोगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हो। तभी देखिए, फिर से मैंने पकौड़े तल लिए थे तो फिर मैंने इस बड़ी कढ़ाई में तेल गरम किया है, उसमें जीरा, मेथी, राई का तड़का लगा दिया है कड़ी पत्ते से। फिर मैंने पेस्ट जो बनाया था वो डाल दिया है, उसे भूनने के लिए एक साइड में छोड़ दिया है। और इधर दही और बेसन खूब अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ना दही में और ना ही बेसन में लम्स रह जाए। तो और काफ़ी मात्रा में मैंने पानी उसमें डाल दिया है। और यहाँ देखिए, मसाला जो है भून के रेडी है, तो इसमें डाल दूंगी मैं ये जो बेसन और दही का पानी था वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे मतलब बॉयल आने तक इसे लगातार चलाना है। अगर आप लगातार नहीं चलाओगे तो कढ़ी जो है वो फट जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तभी देखिए, मैंने पकौड़े भी डाल दिए हैं और आप कढ़ी का कलर भी देखो कि जब ये स्टार्टिंग में मैंने पानी डाला था तो क्या कलर था, कढ़ी पकने के बाद क्या कलर है, और अभी लास्ट में मैंने डाल दिया है नमक। नमक इसमें हमेशा लास्ट में ही पड़ता है, वरना इससे भी कढ़ी फट जाती है। तो कढ़ी जो है वो बन गई है, रोटी पहले ही बन चुकी थी और चावल बनाना है मुझे बस।
तो ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में और कढ़ाई रख दूँगी सिंक में। फिर मैं लगाऊँगी इसमें तड़का, जैसा कि तड़के के लिए मैंने लिया है कलछुल, इसमें मैं डाल देती हूँ 1.5 चम्मच सरसों का तेल और डाल दिया है 1 चुटकी हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। गैस ऑफ करके बस इसी से तड़का लगा देना है और यकीन मानिए देखने में भी बहुत अच्छा रहता है और खाने को तो पूछिए मत, इतना यमी लगता है ना। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नॉन के साथ, किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। तो रोटी देखिए बन चुका था, अभी मैंने ठंडा होने के लिए उसे बाहर रखा था, तो अभी रख देती हूँ मैं उसे रोटी के डब्बे में और थाली, रोटी के डब्बे के नीचे थाली में पानी करके रखती हूँ क्योंकि अब जो है रोटी में चींटी लग जाती है। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो चींटी नहीं लगेगी रोटी में। थाली लीजिए, थाली के अंदर पानी डाल दीजिए, उसमें रोटी का बर्तन डाल दीजिए, तो आपके रोटियों में किसी भी खाने में नहीं लगेगी। हमारे यहाँ तो रोटी में चींटियाँ लगने लगी हैं, तो मुझे ये मतलब तरकीब सूझी, तो मैंने ये हमेशा तरकीब नहीं सूझी, हमेशा यही मैं करती हूँ, तो इस बार भी मैंने यही कर लिया। और अब मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोग से एक शिकायत है, मैंने मतलब 1 साल पे हूँ यूट्यूब पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी मुझसे भी पीछे के यूट्यूबर जो हैं वो आगे ग्रोथ कर जा रहे हैं, और जब मैं कंपेयर कर रही हूँ उनके वीडियो से अपने वीडियो को, तो सेम रह रहा है। हाउसवाइफ वो भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी यही सब दिखाती हैं रूटीन, जैसे कि झाड़ू पोछा घर का काम वही मैं भी दिखाती हूँ। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मेरा चैनल क्यों नहीं आगे जा रहा है। बस मैं वीडियो डाले जा रही हूँ पर कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती जा रही हूँ। मैं एक दो बार रुक रुक कर मतलब जैसे कि इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब दो बार तो मैंने YouTube छोड़ ही दिया था, फिर सोचा कि चलो इस बार ट्राई करती हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फ्रेंड्स, इस बार आप प्लीज़ मुझे निराश मत होने दीजिए, मैं निराश नहीं होना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यूट्यूब पर सक्सेस होना, होने में सबसे बड़ा हाथ आप ही लोग का है। अगर आप लोग चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो और नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे मुझे भी सपोर्ट करिए और मुझे भी बहुत आगे जाना है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैंने जो बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं और ये चाय पत्ती है इसे भी अच्छे से वाश कर लूँगी, 2-3 पारी से वाश कर लूँगी ताकि इसमें का मीठापन और अदरक निकल जाए। तो इसे अब मैं प्लेट में लगा दूँगी, धूप में सुखा लूँगी और इसके बाद से ये हमारा खाद बन के रेडी है। आप किसी भी पौधे में इसे डालो, बिल्कुल ये खाद का काम करेगा, अच्छी ग्रोथ होती है इससे। और दूध आ गया है, दूध मैं रख देती हूँ गैस पे खोलने के लिए। और बज गए हैं 12:30 और मैं दे देती हूँ रुपेश को लंच, कड़ी रोटी लेगा, चावल बाद में खाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं दूसरे अच्छे से ब्लॉग में।